हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। दिस इज़ पंकज गुप्ता एंड हम लोगों ने आपका पेपर फोर पार्ट थ्री स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। जहां पर हमने बायोडाइवर्सिटी क्या होता है उसके थ्रेड्स को समझ चुके थे कि उसमें सॉरी आपके टाइप्स को देखा था बायोडाइवर्सिटी के, और आज हम लोग देखेंगे आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और आपका जो टॉपिक टू स्टार्ट होता है उस टॉपिक को पहले थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि उसी टॉपिक की से लिंक है दो तीन चीज़ें, तो उसको अलग अलग पढ़ने से अच्छा हम क्या करेंगे, सारे के सारे चीज़ों को टॉपिक टू के अंदर में ही डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि आपका सिलेबस थोड़ा सा ईजी लगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं जो आपका टॉपिक टू क्या था, तो वो क्या था आपका बायो ज्योग्राफिकल, है ना, बायो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, मतलब आपका क्या है, जैव भौगोलिक वर्गीकरण, भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण, बायो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर बायो ज्योग्राफी के हिसाब से भारत को देखा जाए तो इसमें क्या है, तीन चार आपको इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेंगे, और आपके सिलेबस में क्या किया गया है, वो तीनों चार चीजों को एक एक टॉपिक बना दिया गया है। हम क्या करेंगे, सबको पढ़ के वहां से हम डिफाइन कर सकते हैं पूरे के पूरे चीज को, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा सिलेबस ईजी हो जाएगा हमारे लिए। नंबर वन अगर इसमें देखेंगे तो सबसे पहले क्या किया गया है, इंडिया को 10 जोन्स में बांटा गया है, 10 जोन में बांटा गया है, आपके किसके आधार पे, आपके ज्योग्राफिकल बायो ज्योग्राफिकल के आधार पे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की जैव विविधता को देखते हुए 10 क्षेत्रों में मेनली आपका एनिमल्स और प्लांट किस तरह के मिल रहे हैं उसके हिसाब से 10 जोन्स पे बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि आपका ट्रांस हिमालय हो जाएगा, हिमालय का ऊपर वाला क्षेत्र, ठीक है, आपका वेस्टर्न घाट्स हैं, तो ऐसे करके आपके टोटल 10 पार्ट में बांटा गया, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपका इसी 10 में से 3 क्षेत्र ऐसे भी हैं, 4 क्षेत्र हो जाते हैं, एक थोड़ा बाहर चला जाता है, तो वो ऐसे रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता है, ठीक है, मतलब आपकी सबसे ज्यादा वहां पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, और उन रीजन में कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के आधार पर उनको क्या कहा गया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। तो आपके क्या आएंगे, भारत के हॉटस्पॉट्स को हम पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत के, उस चीज को देखना है। और साथ ही साथ अगर आपके ये 10 रीजन और यहां पर इतनी ज्यादा विविधता है, तो कहीं ना कहीं अगर भारत को देखा जाए, इंडिया को देखा जाए, तो इंडिया क्या है, एक मेगा बायोडाइवर्स रीजन है, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक वृहद क्षेत्र है आपके बायोडाइवर्सिटी के रीजन के हिसाब से देखा जाएगा, तो इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्स रीजन, इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्स रीजन, आपका वृहद क्या है, जैव विविधता का क्षेत्र मानेंगे भारत को, और उसके हिसाब से उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मे भी इतना आपको क्लियर होगा कि हम लोग इस टॉपिक के अंदर ही हमारे अगर सिलेबस आप देखोगे तो सिलेबस के 3 टॉपिक को एक साथ कवर कर जाएंगे, जहां पर हम लोग जोन्स के बारे में देखेंगे, ये एग्जैक्ट में ये चीज क्या है, उसके अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछता है तो आपको ये लिख करना है, वो देखेंगे, हॉटस्पॉट्स पूछेगा तो वो क्या होते हैं, और आपका भारत को अगर क्वेश्चन आता है कि भारत को आप क्या करोगे, एक वृहद बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र के रूप में समझाइए, एक्सप्लेन इंडिया एज अ मेगा डाइवर्स रीजन, तो उस पर आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से इस टॉपिक को हमको पढ़ना है। तो नंबर वन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सबसे पहले आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से, ठीक है। वो 10 क्षेत्र को करेंगे अगले लेक्चर पे, पहले हम लोग हॉटस्पॉट्स को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी उसको भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट। सबसे पहली बात ये जो है ये होते क्या है, तो देखिए क्या हुआ, एक आपके इकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था नॉर्मन मेयर। तो नॉर्मन मेयर क्या कर रहे थे, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन को पढ़ रहे थे, और वो देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर रीजन में क्यों एक तरह की स्पीसीज मिलती हैं, या एक तरह की प्रजातियों के पशु मिलते हैं, या आपके पर्टिकुलर प्लांट्स मिलते हैं, दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं मिलते हैं, और ऐसा क्षेत्र क्यों विकसित हो रहा है जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है, वो भी देख रहे थे, ठीक है। तो वो पढ़ रहे थे और वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ आपके स्पेशल टाइप के प्रॉपर्टीज देखने को मिले, कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता थी, जहां पर क्या थे, एक्सट्रीम डाइवर्सिटी थी, सम ऑफ द एरियाज आर हैविंग द एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी, और वो उसके रिचनेस को देखते हुए उन्होंने एक वर्ड दिया जिसको बोलते हैं हॉट स्पॉट्स, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वर्ड कॉइंड बाय किसने दिया है, आपके नॉर्मन मेयर ने दिया है, नॉर्मन मेयर आपके 1988 में दिया इन्होंने ये वर्ड, ठीक है। और जब इन्होंने दिया तो उसके बाद उनसे भी पूछा गया, और उसके बाद धीरे धीरे इसको रिफाइन किया गया, और बाद में इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन के रूप में लाया गया, और वो किस तरह से जाएगा, तो आपका देखेंगे अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन को समझेंगे, तो सबसे पहली बात ये क्या है, ये एक इस तरह के क्या है, बायो ज्योग्राफिकल रीजन है। तो जो आपके जैविक हॉटस्पॉट्स की बात करें, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो ये क्या है, यह एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है, तो क्या है, बायो ज्योग्राफिकल रीजन, दे आर द बायो ज्योग्राफिकल रीजन, ठीक है, हैविंग फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो इसमें क्या है, 2 क्राइटेरिया रखा गया है, और उसको जो फुलफिल करता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं,
हॉटस्पॉट बोलते हैं, नहीं तो बाकी क्षेत्र को क्या बोलेंगे, सिर्फ बायोजोग्राफिकल रीजन बोलेंगे, ठीक है। तो बायोजोग्राफिकल रीजन विद टू क्राइटेरिया, उनका साथ क्या होगा, दो क्राइटेरिया होंगे। नंबर वन, जो पहला क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं एंडेमिज्म, क्या बोलते हैं, एंडेमिज्म और एंडेमिक, ठीक है, एंडेमिक। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एंडेमिज्म, या उसको बोल सकते हैं हम लोग एंडेमिक, क्लियर। तो ये होता क्या है, मतलब आपके ऐसे पशु या ऐसे पौधे आपका या तो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे विच आर फाउंड ओनली इन दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, वो सिर्फ दुनिया के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलेंगे, उसके बाहर वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे पौधे या ऐसे पशुओं को क्या बोलता है, एंडेमिक स्पीसीज, उस जगह से रिलेटेड एंडेमिक प्रजातियां होती हैं, ठीक है। तो वो क्या मिलती है, सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं और कहीं भी नहीं मिलती, तो उनको बोलते हैं एंडेमिक। तो एंडेमिज्म देखते हैं, और एंडेमिज्म कितना होना चाहिए, तो वहां पर ये बताया गया है कि कम से कम 1500 स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट, ठीक है। तो 1500 प्रजाति किसके होने चाहिए, वस्कुलर प्लांट के, 1500 स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट, ठीक है, जो कि ये 1500 स्पीसीज वस्कुलर प्लांट के हैं, वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन, किससे बड़े होने चाहिए, 0.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल स्पीसीज ऑफ प्लांट, ठीक है। तो वर्ल्ड टोटल, तो 1500 ऐसे स्पीसीज मिलने चाहिए जो कि क्या है, वहां पर एंडेमिक है, और साथ ही साथ वो किससे ज्यादा होने चाहिए, 0.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल से, ठीक है। तो ये आपका किसका क्राइटेरिया था, एंडेमिक का क्राइटेरिया था। दूसरा उसमें क्या है कि वहां पर कितना खतरा है, खतरे के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो क्या डिग्री ऑफ थ्रेट, खतरे कितने ज्यादा हैं उस क्षेत्र को, उसके हिसाब से देखते हैं, तो डिग्री ऑफ थ्रेट या बोल सकते हैं खतरा कितना है उस एरिया पे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ थ्रेट के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा एरिया जहां पर कम से कम जो उसके मूल वनस्पति थी जो पहले से थे, ठीक है, उसका 70% क्या हो चुका हो, डिक्लाइन हो चुका हो, और क्या हो चुका हो, डिस्ट्रॉय हो चुका हो। तो दोज एरिया वेयर द 70% ऑफ एंडेमिक स्पीसीज आर नॉट एक्सटिंक्ट, और आर एक्सटिंक्ट, नॉट एक्सटिंक्ट, आर एक्सटिंक्ट। तो कम से कम क्या होना चाहिए, 70% ऑफ एंडेमिक स्पीसीज गॉट एक्सटिंक्ट, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज गॉट एक्सटिंक्ट। तो 70% वो क्षेत्र में से क्या होना चाहिए, वहां जो पाई जाने वाली प्रजाति है उसमें कम से कम 70% प्रजाति वहां से विलुप्त हो चुकी हो, उस जगह से गायब हो चुकी हो। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को कोई एरिया देखता है तो उसको क्या बोलते हैं, जैविक हॉटस्पॉट। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा उल्टा डेफिनेशन है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं क्या गायब हो चुका है, और दूसरी तरफ बता रहे हैं 1500, तो ऐसा देखने में नंबर कम लगेगा, फिर भी अगर सोचो इतना जब हटने के बाद भी उस क्षेत्र में वहां पर अगर इतनी ज्यादा विविधता है, तो वो एरिया सच में किस तरह से होगा, ठीक है। तो उसके डेफिनेशन देखते हुए आपने क्या किया है, तो आपका ये होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ड इन्होंने दिया, और ये क्या है, ये एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है जिसके दो आधार पर बांटा जाता है, एक होता है उसका एंडेमिक और एक होता है डिग्री ऑफ थ्रेट। इन दोनों के हिसाब से क्या बताया जाता है, वो क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और उसका ये आपका प्रॉपर एक डेफिनेशन था जो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमको क्या देखना है, हमारे टॉपिक के हिसाब से इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो आपके जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं, इसमें से इंडिया में कौन कौन से हैं, तो हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और आप जो अभी कोरोना पे सुन रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स बार बार हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट, तो यहीं से उठाया गया उस वर्ड को, और वहां पर क्या है, संक्रमित क्षेत्र को इस तरह से देखा जा रहा है। तो हॉटस्पॉट्स ऑफ अगर इंडिया देखा जाए आपका बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, आपके जैव भौगोलिक के आधार पर, तो टोटल चार हैं, ठीक है। वो चार कौन कौन से हैं, आपके कई बुक में दो तीन भी लिखा होगा, चल में फोर एरियाज होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका आता है पश्चिमी घाट, आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिम घाट। दूसरा आपका ईस्टर्न हिमालयस, पूर्वी हिमालयस, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, पूर्वी हिमालयस। तीसरा आपका जो क्षेत्र आएगा ये वेस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में आपका श्रीलंका तक जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका बोल सकते हैं, एक हो सकता है आपका पूर्वी हिमालयस। तीसरा क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं इंडो बर्मा, ठीक है, जो आपका म्यांमार, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है और म्यांमार की ओर जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडो बर्मा।
ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट रीजन है वो नीचे का जो आपका निकोबार, अंडमान के नीचे निकोबार आइलैंड, और उसके बगल में इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के दो आइलैंड हैं, जिसमें ऐसे इंडोनेशिया तीन आइलैंड से बनता है, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो। तो उसका जो पहला वाला है जो इंडिया के सबसे करीब है उसको बोलते हैं सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। और वो वाला जो क्षेत्र है उसी को बोला जाता है सुंडालैंड, ठीक है। तो आपका क्या है सुंडालैंड, मतलब भारत का ये किसमें कौन सा एरिया आएगा, निकोबार आइलैंड का एरिया आएगा। तो ये चार क्षेत्र जो हैं ये भारत के क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है। अगर मैप में समझेंगे इसी चीज को, तो देखिए स्पेस कम है तो फिर भी बना के देखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा इस तरह से मैप में भी अगर प्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका भारत बनेगा। एक अच्छे से आप बना सकते हैं इसको अपने कॉपी पे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक इंडिया बना सकते हैं। और इंडिया में अगर समझेंगे इन चारों क्षेत्र को, ये थोड़ा सा आपका ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ, तो क्लियर करते हैं इसको, देखते हैं। तो आपका वेस्टर्न घाट, तो ये आपका गुजरात का लास्ट पॉइंट, और इधर से आपका महाराष्ट्र और ये पूरा, ठीक है, और आपका ये श्रीलंका वाला एरिया। तो ये आपका क्या हो गया एरिया नंबर वन, इसको पहला क्षेत्र देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट और आपका श्रीलंका वाला क्षेत्र हॉटस्पॉट का। दूसरा क्या बनेगा आपका ईस्टर्न हिमालय। तो अगर हिमालय को देखेंगे पूरा क्षेत्र, तो ईस्टर्न हिमालय, तो आपका ये नेपाल वाला जो पार्ट आता है उत्तराखंड, तो ये वाला जो क्षेत्र आएगा पूरा, ये नेपाल, आपका सिक्किम, इधर भूटान, अरुणाचल प्रदेश, और देखो यहां से आपकी ये इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी कुछ ऐसे मुड़कर इधर से जाती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा एरिया ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ का पार्ट, और ये वाला एरिया इसको बोलते हैं हम लोग, ये है आपका सेकेंड रीजन, ठीक है, जो आपका ईस्टर्न हिमालय का रीजन। तो नेपाल से लेकर आप जाएंगे और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर और जहां से टर्न हो रही है, तो ये वाले क्षेत्र को आप क्या बोलेंगे आपका ईस्टर्न हिमालयस। इंडो बर्मा, यही आपका ब्रह्मपुत्र नदी की जो नीचे वाला पार्ट है, ये पूरा भारत का क्षेत्र ये, और साथ ही साथ इसके बगल में आपका क्या जाएगा अगर देखेंगे, तो इस तरह से भारत और इस तरह आपका आएगा म्यांमार। तो भारत और म्यांमार वाला क्षेत्र ये जो थर्ड है, ये थर्ड एरिया है, ठीक है, जो कि आपका इंडो बर्मा प्लेट है। और अगर फोर्थ देखते हैं सुंडालैंड, तो यहीं से अगर नीचे आते हैं तो अंडमान और आपका निकोबार, और इस तरफ आपके पड़ते हैं इंडोनेशियन आइलैंड। तो ये वाला जो क्षेत्र है इस तरह से ये जो बनेगा, ये क्या है आपका फोर्थ रीजन है, जिसको हम बोलते हैं सुंडालैंड, ठीक है। तो इसी के जस्ट नीचे वाला रीजन बनता है जो आपके इंडोनेशियन आइलैंड की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं सुंडालैंड। ये है आपका इंडो बर्मा और आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो ये चार क्षेत्र हैं जिनको आपका क्या कहा गया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। इन चारों को हम लोग वन बाय वन अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने वेस्टर्न घाट से, का वेस्टर्न घाट बायोस्फीयर, ठीक है। तो आपका वेस्टर्न घाट का जो हॉट स्पॉट रीजन है, जो जैव विविधता केंद्र है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो आपकी पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट इस एरिया को देखेंगे अगर अच्छे से, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखते हैं, एरिया को समझते हैं कि ये कहां से कहां तक ये विस्तृत है। तीन चार हेड्स पे इसको पढ़ेंगे ताकि आपके लिए इजी हो। सबसे पहले एरिया को समझते हैं, तो अगर कुछ इस तरह से हम देखा जाए भारत को, अगर हम देखेंगे यहां पर आपका क्या है श्रीलंका, ठीक है, जिस तरह से श्रीलंका है, तो आपका यहां पर आती है नर्मदा और ताप्ती नदी इस तरह से आएगी, ठीक है, इधर नर्मदा और ताप्ती। तो ताप्ती के नीचे वाला जो गुजरात का क्षेत्र, यहां से लेकर आप चलेंगे, ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका क्या है वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, क्लियर। और साथ ही साथ ये वाला क्षेत्र, तो आपका अगर इसको देखेंगे तो ये भारत के आपके अलग अलग राज्य में, अगर गुजरात से लेकर आप देखेंगे तो केरला और तमिलनाडु, प्लीज़ भूल मत जाना, ठीक है, तमिलनाडु में भी आएगा, और साथ ही साथ श्रीलंका। तो ये सारे क्षेत्रों में कौन सा फैला हुआ है आपका, आपका वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन, यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। नंबर टू, अगर ये पूरे के पूरे एरिया को देखेंगे, तो ये अगर इंडिया के आपका रेनफॉल और क्लाइमेट के हिसाब से करते हैं, रेनफॉल का आपका ऐसे क्लाइमेट के हिसाब से देखते हैं, तो अगर क्लाइमेट के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला एरिया को, तो यहाँ पर अगर रेनफॉल, वर्षा और टेम्परेचर दोनों की बात करें, तो रेनफॉल भी यहाँ पर ज़्यादा होती है और यहाँ पर क्या है टेम्परेचर भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्यों रेनफॉल, एक तो सबसे पहली बात ये कि मानसून को अगर समझते हैं हम लोग इंडियन मानसून को, तो मानसून आपका सबसे पहले यहाँ पे हिट करता है और इस रीजन में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, फिर वो धीरे धीरे आगे की ओर जाता है, इधर से आ रहे हैं
वापस भी सबसे नीचे यहीं से आता है। तो अगर देखा जाए तो अगर 4 महीने का ड्यूरेशन है मॉनसून का, तो पूरा का पूरे टाइम पे यहाँ पर वर्षा होती है, इवन थोड़ा उसे ज़्यादा भी होती है। तो रेनफॉल यहाँ पर मॉनसून के कारण बहुत अच्छी होती है, और ये क्या होता है सबसे पहले उसको ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर क्या है, रेनफॉल यहाँ पर इस रीजन में हाई है, और साथ ही साथ अगर टेम्परेचर भी देखेंगे तो भारत में अगर यहाँ पर नीचे कहीं पर इक्वेटर है तो इक्वेटर से सबसे नज़दीक है, ठीक है। तो ताप भी अगर देखेंगे तो इक्वेटर से जो नज़दीक है वो वाला एरिया धीरे धीरे क्या होता है ऊपर की ओर ठंडा होता जाता है, ठीक है। अगर आप लेटिट्यूड और उसको समझते हैं, ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि आपका जो लैटिट्यूड जो होती है रेखाएं, तो लैटिट्यूड को अगर समझेंगे अक्षांतर रेखाओं को, तो धीरे धीरे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं आपका ठंडा होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे नजदीक ये है, तो ये वाला रीजन जो है वो क्या है फिर भी कंपैरेटिवली ऊपर के रीजन से, जो आपके ट्रॉपिकल के ऊपर वाले रीजन चले जा रहे हैं, इवन हिमालय तो आपके शीतोष्ण में ऊपर चले गए, तो उन क्षेत्रों से ये क्षेत्र क्या है थोड़ा सा गर्म है। तो यहां पर टेम्परेचर भी क्या है हाई है, और आपका थोड़ा सा कोस्ट एरिया होने के कारण, कोस्टल इंपैक्ट के कारण वो क्या होता है थोड़ा सा टेम्परेचर को क्या करते हैं मॉडरेट कर देता है कोस्ट, क्योंकि उससे हवा आती है बार बार, तो वो उतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। पर वहाँ पर क्या है, एक हमेशा मॉइस्चर ज़्यादा होगा, एक चिपचिपापन होगा, अगर वहाँ पर आप जाएंगे तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर की क्वांटिटी भी बहुत है, टेम्परेचर भी बहुत ही अच्छा है, और अगर ये दोनों चीज़ कहीं भी आपको सफिशियंट मात्रा में देखने को मिलेंगे तो ये बेस्ट कंडीशन होता है किसी भी फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको देखेंगे अगर वनस्पति या उसके फॉरेस्ट के हिसाब से देखते हैं, वेजिटेशन बोलते हैं जिसको वनस्पति, तो वनस्पतियों के हिसाब से अगर देखे जाएंगे तो ये क्या है फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, जो सबसे इधर वाला रीजन है जो केरला का, और देखो डाइवर्सिटी भी देखेंगे तो केरला तमिलनाडु और आपका श्रीलंका वहाँ देखने को मिलेगा, तो केरला और ये वाले क्षेत्र में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसी में आपको या तो इसको इस तरह से लिखते हैं या इसको इसी का सब टाइप्स बनाकर हम क्या बोलते हैं इसको, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार, ठीक है। तो जो सदाबहार वृक्ष वो होते हैं वनस्पति होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, या हम बोल सकते हैं इसमें सेमी एवरग्रीन, ठीक है, अर्ध सदाबहार। नंबर टू, अगर यहाँ पर एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जो थोड़ा सा ऊपर का क्षेत्र देखेंगे जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है और केरला के जो उस तरफ का ईस्टर्न साइड्स आपका ये वाला वेस्टर्न होगा, तो जो आपका पूर्वी क्षेत्र होगा केरला का अगर उधर को देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पर्णपाती वृक्ष भी देखने को मिलेंगे एक सफिशियंट मात्रा में, ठीक है। और वो कैसे होंगे, वहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा होंगी, तो सूखे वाले नहीं होंगे, ये थोड़े से मॉइस्चर वाले होंगे। तो मॉइस्ट पर्णपाती यानी कि आपका डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप भी यहाँ देखने को मिलेंगे। और थर्ड, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, एक विशेष तरह का वेजिटेशन मिलता है जो कहीं और नहीं मिलते, उसको बोलते हैं सोला फॉरेस्ट। क्या मिलता है, सोला फॉरेस्ट, और ये नीलगिरीज में मिलते हैं, ठीक है, सोला फॉरेस्ट। ये क्या है, एक स्पेशल तरह का, कुछ इस तरह से होता है जैसे ये वाला क्षेत्र है तो कुछ इस तरह से अगर लैंड है तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके जो वनस्पति हैं वो कुछ इस तरह से बने होंगे, ठीक है, इस तरह से हैं डेवलप, और बीच में क्या होता है सफिशिएंट ग्रासेस होते हैं, ठीक है, प्रॉपर एक पार्कलैंड की जैसे। तो आपका ये जो सफिशिएंट ग्रासेस है ये आराम से आपका एक क्या होता है बहुत अच्छा ग्रेजिंग ग्राउंड, चारागाह बन सकता है, और इस एरिया में ये पौधों के कारण वहाँ से के शेड के कारण ये पूरे के पूरे एरिया में कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, क्योंकि कॉफ़ी एक बार लगाने के बाद उसको क्या होता है हमेशा एकदम डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए धीरे धीरे आपको शेडो गिरना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा रीजन इतना इंपॉर्टेंट है, और एक स्पेशल टाइप का वो मिल रहा है जिसको बोलते हैं सोला फॉरेस्ट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इतने ज़्यादा डाइवर्स रेंज ऑफ फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट को भी देखेंगे तो आपको सोला भी देखने को मिल रहा है, मॉइस्ट भी देखने को मिल रहा है, एवरग्रीन भी, सेमी एवरग्रीन भी। तो यहाँ पर क्या है रेंज ऑफ फॉरेस्ट, और पूरा का पूरा एक वो दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है। तो जितना ज़्यादा वहाँ पर डाइवर्सिटी दिखेगा उसके हिसाब से वहाँ पर उतने ही ज़्यादा वृक्ष के प्रकार दिखेंगे, आपके प्लांट्स टाइप दिखेंगे, आपके ट्री टाइप्स दिखेंगे, और उतने ही तरीके के आपको क्या दिखेंगे बार बार फौनास दिखेंगे, मतलब आपके एनिमल टाइप्स दिखेंगे, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसी वेजिटेशन के हिसाब से अगर इस एरिया को समझेंगे तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अगर फौना, अगर आप एनिमल्स की बात करें, इम्पॉर्टेंट फौना आपके जो जानवर हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखो सबसे अगर जो रेन फॉरेस्ट अगर है, तो रेन फॉरेस्ट में क्या होगा कि वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है जो आपका पौधा है उसको सफिशियंट मात्रा में वर्षा भी मिल रही है और आपको टेम्परेचर भी मिल रही है, तो वो क्या कर रहे हैं बहुत जल्दी उसका ग्रोथ हो रहा है। और हाइट, तो दो आपस में जो दो पेड़ है वो हाइट के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तो क्योंकि सनलाइट लेना है तो दोनों के दोनों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा। और अगर कोई पौधे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको होल्ड करने के लिए नीचे का रूट कैसा होना चाहिए, रूट बहुत चौड़े होने चाहिए, तो उसके रूट जो है वो बहुत बड़े होंगे और ये बहुत ही लंबे लंबे पेड़ होंगे, ठीक है। और वर्षा बहुत होने के कारण जो नीचे के क्षेत्र वहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है,
तो नीचे का क्षेत्र में थोड़ा सा दलदल सा बन जाएगा, वहां पर क्या होंगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत मिलेंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे, रेंज ऑफ इंसेक्ट्स मिलेंगे। और दूसरी बात, वहां पर जो अगर कोई जीव जंतु अगर अपन इसकी बात करें एनिमल्स की, तो नीचे जो है ग्राउंड पे एनिमल्स रहने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि नीचे का पूरा एरिया पानी है। तो वहां पर जो जानवर मिलेंगे वो क्या होंगे, जो पेड़ों के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेंगे, ट्री टॉप एनिमल्स, इनको बोला जाता है आर्बोरियल एनिमल। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां मिलता है उसको बोलते हैं लॉयन टेल मकाऊ, जो एक स्पेशल तरह का बंदर है जिसकी पूंछ जो है शेर की तरह होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं, लॉयन टेल मकाऊ, ठीक है, लॉयन टेल मकाऊ। दूसरा, अगर इसके साथ साथ देखेंगे तो इसी क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानवर मिलता है जिसको बोलते हैं मालाबार कीवेट, ठीक है। छोटा सा आपका जैसे लोमड़ी दिखता है उसी तरह से दिखेगा, अगर आप देखेंगे फोटोज देखना आपको अच्छा लगेगा। और इवन अभी कोरोना में इसका फोटोज आया भी था कि केरला में एक जानवर देखने को मिला, वो क्या था, वो था मालाबार कीवेट, ठीक है। ये आपका विलुप्त होने के कगार पे है, विलुप्त होने की वाली प्रजाति है, वहां पर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे मालाबार कीवेट, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट आपकी उड़ती हुई उड़न गिलहरी जो बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वायरल, वो भी वहां देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्लाइंग स्क्वायरल, और आप लोगों नॉर्मल आप देख ही रहे हैं केरला तमिलनाडु कभी भी फोटोज देखेंगे कुछ भी देखेंगे तो वहां आपको एलिफेंट तो देखने को मिलते ही मिलता है। तो एलिफेंट वो थोड़ा सा ऊपर आपका जो हल्का सा जो एकदम ड्राई वाला क्षेत्र है, जो एकदम ज्यादा गीला नहीं, जो थोड़ा सा ऊपर का ड्राई वाला क्षेत्र है वहां देखने को मिलेंगे, तो आपका एलिफेंट्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसा है, आप क्या कर सकते हैं, 3-4-5 एनिमल्स के नाम से भी वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। और एनिमल्स के बाद अगर हम लोग पौधों की बात करें, पेड़ की बात करें, तो अगर पहली बात, वहां पर बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स मिलेंगे, जो छोटे छोटे आपके जो मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं हर्ब्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो वहां पर बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो मेडिसिनल प्लांट बोल सकते हैं या हर्ब्स बोल सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। दूसरी बात, पहले तो ये हो गया। सेकेंडरी, इसी क्षेत्र में आपको और क्या देखने को मिलेगा कि जो पेड़ का, अभी मैंने बताया कि क्या होगा, नीचे का जो है रूट्स बहुत चौड़े हैं और वो क्या है बहुत लंबे, तो अगर हाइट बहुत ज़्यादा है, रूट्स इतने मोटे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रीज किस तरह से होंगे, क्योंकि वहाँ पर अच्छा अमाउंट ऑफ रेनफॉल टेम्परेचर मिलने के कारण न्यूट्रेंट अच्छा मिल रहा है, तो वो पूरा का पूरा जो पेड़ है वो क्या है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवुड है। तो यहाँ की अगर ट्रीज को देखेंगे, पेड़ों को देखेंगे, तो वो क्या होंगे, हार्डवुड ट्री होंगे, ठीक है। और हार्डवुड में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्री मिलेगा वो है आपका महोगनी, ठीक है, महोगनी। उसके बाद एबनी, सीसम, सीसम बोलते हैं आप, तो वो सीसम। तो इस तरह के आपको क्या मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज मिलेंगे वहां पर, मेडिसिनल हर्ब्स और शब्स मिलेंगे। तो इन सारे चीजों की जो विस्तृत मात्रा में मिल रहे हैं, देखो फौना में तो मैंने आपको बड़े जानवर बताया, पर ये भी चीज एक फैक्ट है कि वहां पर सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो आप देखेंगे इंडिया में, सबसे ज्यादा बर्ड्स के प्रकार वहीं पर मिलेंगे। और साथ ही साथ जितने भी इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वहां पर बहुत ज्यादा मात्राओं में मिलते हैं, बहुत ही अच्छे बटरफ्लाइज मिलते हैं। तो वो एक रिचनेस है जो बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर बहुत सारे प्रकार के फौना मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, और साथ में आपके वनस्पति मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहीं पर आपको बायोडाइवर्सिटी को समझाना, अभी आप इसको ज्योग्राफी में नहीं लिख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर इसको आप किस में कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को आप पढ़ रहे हैं अप्लाइड बिहेवियर में, जहां पर आप इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है। अगर इसी को ज्योग्राफी में पूछता वेस्टर्न घाट, तब फिर आप दूसरे तरीके से लेकर जाते हैं कि वो यहां से विस्तृत है, ये वाले माउंटेन्स है, वो वाले माउंटेन्स है, नहीं, यहां पर हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आपको इन सारी चीजों के लिए। तो इतना अच्छा रेंज ऑफ फॉरेस्ट मिलने, इस तरह से आपको वनस्पतियों के प्रकार के साथ साथ इतने अच्छे फ्लोरा आपके वनस्पति के साथ साथ आपको क्या मिल रहे हैं, जानवर मिल रहे हैं इस रेंज में। तो इसीलिए जो एरिया है ये पूरा क्या है, एक जैविक हॉटस्पॉट बना हुआ है। और इन सब को पहचानते हुए अगर देखेंगे यहाँ की इंपॉर्टेंस, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसका आपको देखने को मिलेगा कि भारत में यही एक क्षेत्र है जहां पर इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो भारत के 3 इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व एक क्षेत्र में से देखने को नहीं मिलेगा इतने ज्यादा, पर यहां पर 3-3 देखने को आपको मिलता है। सबसे पहला आपका आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा यहाँ पर ये आपका नीलगिरी, और यहीं पर आपका आएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसके साथ साथ अभी अभी रिसेंटली 2016 में उसको एक और था, उसको भी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसके अंदर भारत के अभी 11 आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 3 तो इसी क्षेत्र में मिलते हैं। तो एक नीलगिरी था, दूसरा जो अभी 2016 पे उसको दिया गया परमिशन वो है आपका अगस्थ्यमलय, ठीक है। तो अगस्थ्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व, और तीसरा जो भारत का इकलौता मरीन समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर क्या है, ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और यहीं पर आपको क्या मिलता है, सी काऊ,
ठीक है, डुगोंग बोलते हैं इसको, समुद्री गाय, ठीक है, सी काऊ, सी काऊ इसको बोला जाता है, डुगोंग समुद्री गाय। तो ये वाला क्षेत्र अगर देखेंगे तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, इस तरह से इसकी रिचनेस है, और इस रिचनेस के कारण इसको क्या बोला गया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। तो ये आपका उन चार में से सबसे पहला था वेस्टर्न घाट। इसी तरह हम लोग आपका दूसरा देखेंगे जो कि आपका क्या है, ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं आपका ईस्टर्न हिमालयस को, हम लोग आपका जो दूसरा रीजन है वो क्या है, ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। तो क्या है वो आपका, ईस्टर्न हिमालयस, आपकी पूर्वी हिमालयस, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालयस या पूर्वी हिमालयस बोलेंगे, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। अब ये वाला जो क्षेत्र है, जो रीजन है हिमालय का, सबसे पहले उसको एरिया को देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है। अगर इंडिया बनाते हैं तो याद रखना यहाँ पर तीन टर्म्स में आप इंडिया को इजीली बना सकते हैं, मैप अगर आपको किसी को सीखना हो, ठीक है। और कुछ तरह से, ठीक है। तो अगर यहाँ इसके एरिया की बात करें, जैसे हमने पिछले बार देखा था उसमें उसका एरिया, तो इसका एरिया जो है, ये आपका जो नेपाल वाला पार्ट है, हिमालय का जो नेपाल वाला पार्ट है, और जो उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है, तो ये पार्ट पूरा, ठीक है, प्लस ये आपका जो ये भूटान का पार्ट है, इवन आपका इस तरफ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है, तो ब्रह्मपुत्र की जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये पूरा, ठीक है। तो ये क्षेत्र पूरा का पूरा आएगा यहाँ तक, ये वाला। तो ये क्या है आपका, ईस्टर्न हिमालयस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता का जो हॉटस्पॉट आपका ईस्टर्न हिमालयस है, वो ये पूरा रीजन है। तो अगर एरिया देखेंगे तो इंडिया प्लस नेपाल प्लस भूटान, ये तीन देशों में फैला हुआ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तिब्बत पार्ट में भी जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि तिब्बत तक इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ठीक है। तिब्बत वाले पार्ट में भी इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। अगर इंडिया की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा आपका जो बिहार का नॉर्थ वाला रीजन है बिहार, उसमें भी थोड़ा सा टच करेगा, यूपी के रीजन को टच करेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ उस एरिया को टच करेगा। हाँ, सिक्किम आपका बहुत अच्छे से इसमें आएगा, ठीक है। सिक्किम आपका वेस्ट बंगाल का ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल का लगेगा, ठीक है। असम, अ पार्ट ऑफ मेघालय, मेघालय प्लेट्यू जो है आपका मेघालय, तो मेघालय का वहाँ का कुछ पार्ट लगेगा। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और कुछ पार्ट आपका जो साइड वाला ये वाला क्षेत्र है हल्का सा, वहाँ पर आपका नागालैंड को भी टच करेगा, ठीक है। तो नागालैंड, तो इसका अगर विस्तार देखेंगे, एक्सटेंशन देखेंगे, तो कुछ इतने बड़े रीजन में ये आपका कौन सा रीजन फैला हुआ है, आपका ईस्टर्न हिमालयस का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन बोल रहे हैं वो उसका विस्तार है। दूसरी बात, पहले जैसे हमने देखा था उसमें आपका क्या वनस्पतियों के प्रकार, वेजिटेशन टाइप, सिमिलरली यहाँ पर भी हम उसके इसके वेजिटेशन को समझते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसके वेजिटेशन को देखेंगे तो सबसे पहले आपका वेजिटेशन का वही दो कंपोनेंट हम पकड़ते हैं जो क्लाइमेट के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो अगर क्लाइमेट देखेंगे यहाँ पर, तो आपका दो चीज़ों को देखना होता है, रेनफॉल और टेम्परेचर को। तो अगर यहाँ पे रेनफॉल की बात करेंगे और ऐसे भारत की बात करते हैं, तो भारत में अगर मॉनसून को समझते हैं, उसके दो आर्म्स थे, एक आपका अरेबियन सी से आता है और एक आपका बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से आता है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाला आम है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे हिट करता है, जहाँ पर मेघालय पे सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है दो रीजन पे, मौसिनग्राम और आपके चेरापूंजी पे, ठीक है। तो सिमिलरली आपका इसको क्या मिल रहा है, मॉनसून से तो इसको रेनफॉल मिल ही रहा है, ठीक है। जो आपके मॉनसून है, मॉनसून से तो यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, और साथ ही साथ जब मॉनसून वापस लौटती है और यहाँ से आपके क्या आते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड, ठीक है, उत्तर पूर्वी ट्रेड विंड जब फिर से वापस आके भारत के ऊपर बहने लगते हैं, तो उसके कारण जो वर्षा होती है, तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट विंड से भी यहाँ पर वर्षा होती है। तो इन सारे वर्षाओं के कारण ये वाला जो रीजन है, ये बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल रिच रीजन है भारत का, और यहाँ पर वर्षा क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर वेरिएशन देखेंगे तो फिर भी उतना ज़्यादा गर्म नहीं है जितना नीचे से है, बट यहाँ पर अगर आपका टेम्परेचर की वेरिएशन की बात करेंगे, जितना चेंज है, तो इसमें वेरिएशन का दूसरा कारण है, ठीक है। एक तो आपका ठीक है जो नॉर्मल वहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा आपके डिस्टेंस के कारण, वो ठीक है, पर दूसरा इसका जो टेम्परेचर वेरिएशन का कारण ये है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, एक माउंटेनियस रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या है, जो नीचे से लेकर अगर आप ऊपर तक बढ़ते जाएंगे इस डायरेक्शन पे, तो यहाँ पर का जो टेम्परेचर होगा उससे कम यहाँ पे होगा, उससे कम यहाँ पे होगा, इससे कम यहाँ पे होगा, उससे कम यहाँ होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते हैं आपका टेम्परेचर डाउन होते रहता है, ठीक है। तो हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो यही चीज़ देखने को मिलता है कि जो नीचे के क्षेत्र हैं यहाँ पर आपका
ट्रॉपिकल रीजन की तरह ये यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, वनस्पतियाँ मिलती हैं, उस तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपका डेसीडियस फॉरेस्ट था, पर्णपाती वृक्ष, ये सारे चीज़ें। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे वो उनका नेचर बदलेगा और आपका क्या मिलेगा, आपको टेम्परेट फॉरेस्ट, मतलब आपका शीतोष्ण वन जो होते हैं, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट। और टेम्परेट फॉरेस्ट में फिर वही आपके पाइन ट्रीज होते हैं, निडल वाले, ठीक है, कुछ इस तरह के वनस्पतियों में आपके पेड़ कुछ इस तरह के रहेंगे, ठीक है, चौड़े चौड़े पत्ते वाले होंगे या कोनिकल लीव्स वाले होंगे, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे चेंज होगा। और ऊपर जहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हो रही है, एकदम टॉप जो माउंटेन्स का होगा वहाँ पर आपका, उससे थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा टैगा फॉरेस्ट और टैगा के ऊपर आपको मिलेगा टुंड्रा फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपका हाइट के कारण भी यहाँ पर क्या है, वेजिटेशन टाइप बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल वेजिटेशन को रेनफॉल टेम्परेचर के टर्म पे देखेंगे, कितनी वर्षा और कितना तापमान है उसके आधार पे, तो यहाँ पर बहुत सारे रेंज ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स मिलते हैं। जहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपका नंबर वन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सदाबहार एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। नंबर टू सदाबहार के बाद आपको सेमी एवरग्रीन, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का सा अगर आपका क्या है टेम्परेचर रेनफॉल चेंज होगा तो यही सदाबहार क्या होते हैं, अर्ध सदाबहार बन जाते हैं, सेमी एवरग्रीन। इसके बाद अगर थर्ड रीजन देखते हैं, जो तीसरा अगर यहां पर देखेंगे तो आपका क्या मिल रहा है, इन कारण से जो हाइट का एक फैक्टर है और जो टेम्परेचर उसके कारण बदल रहा है, जो हाइट और टेम्परेचर बदलने के कारण आपका क्या हो रहा है, इसके कारण आपको देखो रेंज ऑफ फॉरेस्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग वेजिटेशन मिल रहे हैं, जहां पर आप क्या देख रहे हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट शीतोष्ण वन, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट भी देख रहे हैं, साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं, टैगा देख रहे हैं, ठीक है, टैगा फॉरेस्ट, उसके साथ आप क्या देख रहे हैं, टुंड्रा, जो और ऊपर के क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। और आपको एक और मिलेगा यहाँ पर पर्णपाती आपका डेसीडियस, ठीक है, डेसीडियस। तो अगर भारत में मुख्यतः अगर मरुस्थली को हटा दें और जितने भी प्रकार के वन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, सारे के सारे मिलते हैं एक साथ। तो इसलिए वो रीजन ना सिर्फ वनस्पति में अगर देखेंगे तो पेड़ पौधे नहीं, वहाँ के पशु पक्षी हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा विविधता का केंद्र बना हुआ है। अब बिग क्या है आपका, डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन ऑफ इंडिया, उसके कारण इसको क्या बोल रहे हैं, आपका जैविक हॉटस्पॉट बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या थे, इसके वेजिटेशन टाइप थे। अगर इसी वेजिटेशन के आधार पे अगर हम लोग इसको अच्छे से और थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं, चलिए इसको रब करते हैं, यहीं पे देखते हैं, तो आपका क्या आएगा, वेजिटेशन के आधार पे ही हम लोग देखते हैं अगर इंपॉर्टेंट फ्लोरा, मतलब आपके जो पेड़ पौधे हैं, और दूसरा हम समझते हैं इंपॉर्टेंट फौना, ठीक है, कौन से पशु मिलते हैं, कौन से पौधे मिलते हैं, ये सारी चीज़ आपको लिख के आने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका बायोडाइवर्सिटी के आधार पे आप पढ़ रहे हो, ना कि आप ज्योग्राफी के आधार पे पढ़ रहे हो। बार बार मैं चीज़ को बोल रहा हूँ, मेक श्योर इस चीज़ को लिख कर आएंगे, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंट आपके क्या बोलते हैं वृक्ष या आपके मेडिसिनल प्लांट्स, इसके बात करेंगे ट्रीज और प्लांट्स के, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस रीजन में सिक्किम और इस तरफ, तो इंडिया में जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ बैम्बू, जो आपके बांस के सबसे अच्छे प्रकार मिलते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ बैम्बू, नंबर टू जो ये नीचे वाला पार्ट है, हिमालय के जो नीचे वाला पार्ट होगा यहाँ पर एक विशेष तरह का क्या मिलता है, पेड़ मिलते हैं जिसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, उनको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रोडोडेंड्रॉन। नंबर थ्री आपका जब जो टेम्परेट है, और टेम्परेट रीजन जो शीतोष्ण वन है, शीतोष्ण वन में जो भी पेड़ मिलते हैं जैसे कि ओक है, मैपल है, पाइन है, तो वो सारे चीज यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, जैसे ओक, मैपल जो आपके कनाडा के झंडे में है वो वाला जो होता है उसको मैपल ट्री बोलते हैं, ठीक है, पाइन ट्री, पाइन आप लोग सब जानते होंगे। तो ये सारे कुछ आपके ट्रीज मिलते हैं। और अगर हम लोग मेडिसिनल प्लांट की बात करें जो आपके, तो यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो करेंट अफेयर में भी आपका था, तो एक मिलता है उसको बोलते हैं ड्रैगन ब्लड ओजिंग ट्री, ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा पेड़ है जिसमें अगर आप नीडल डालोगे तो उसमें से क्या होगा, जो लेटेक्स जो पानी निकलेगा वो क्या होते हैं, ब्लड के कलर के होते हैं, ठीक है, थीके? और वो आपके एनाल्जेसिक होते हैं, मतलब जो दर्द निवारक के तरह से काम करते हैं, एंटीबायोटिक की तरह काम करेंगे, और जो उस जो मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपका ड्रैगन ब्लड ओजिंग ट्री। और ये रिसेंटली आपको कहाँ पर मिला है, आपके असम पे मिला है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा थे जो इस एरिया में मिलते हैं, जब आप लिखोगे
इस चीज को आपको लिख कर आना पड़ेगा। और नंबर टू, अगर हम लोग यहाँ पर जो आपके मवेशी मिलते हैं, जो आपके पशु मिलते हैं, या आपके जो भी एनिमल टाइप्स हैं, तो एनिमल में समझेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है, अगर उत्तर प्रदेश वाला रीजन देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलते हैं, टाइगर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, टाइगर्स देखने को मिलेंगे जिम कॉर्बेट और इसके आसपास के रीजन में। दूसरा अगर देखेंगे तो असम और सिक्किम, वो आपको आपको पता ही होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस है वो एक सींग वाले गेंडो के लिए, मतलब वन हॉर्न राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, तीसरा अगर इसी क्षेत्र में देखेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही स्पेशल टाइप की गिलहरी मिलती है जिसका नाम है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल। क्या नाम है? नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल। ठीक है, उड़ने वाली ये गिलहरी है। साथ ही साथ देखिए आपके टॉपिक में एक और चीज दिया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स, मतलब जो विलुप्त होने के कगार पे ऐसे मवेशी हैं उनके बारे में, तो इस क्षेत्र में भी एक मिलता है असम में, उसको बोलते हैं पिग्मी हॉग। क्या बोलते हैं? पिग्मी हॉग। ये सुअर के जितने भी सुअर हैं, सुअर के सबसे छोटी प्रजाति होती है, छोटी प्रजाति मतलब जो उसका वेट सबसे कम होता है, सबसे छोटे साइज के सुअर होते हैं उनको बोलते हैं पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग। ठीक है, तो ये क्या थे? ये कुछ आपके फ्लोरा और इंपॉर्टेंट फौना है आपके ईस्टर्न हिमालय रीजन में। तो इतना ज़्यादा आपका डाइवर्स फॉरेस्ट रेंज और इतने सारे इंपॉर्टेंट आपके ट्री टाइप्स, इतने सारे इंपॉर्टेंट एनिमल टाइप्स होने के कारण ये रीजन कहीं ना कहीं आपका क्या है, एक बहुत बड़ा जैविक हॉटस्पॉट है। और इन सारे चीज़ों की अवेलेबिलिटी के होने के कारण इस रीजन को अगर हम लोग और डीपली समझेंगे तो पाएंगे कि इस रीजन में आपके टोटल भारत में कितने हैं, 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो आपके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर है, जो यूनेस्को का प्रोग्राम है। और उसमें से यहाँ पर देखेंगे तो इस क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट चाहे वो नौकरेक हो, चाहे वो दिहांग बांग हो, चाहे वो मानस हो, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे वो आपका मानस हो गया, आपका नौकरेक हो, तो ये सारे के सारे जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो पूरा इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखेंगे तो सबसे पहले अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये सिक्किम, भूटान और आपका ये वाला जो है ट्राई जंक्शन, यहाँ पर आपका आएगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्या क्या लिख दिया मैंने, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में यहां पर आपका क्या आएगा, दिहांग दिबांग। ठीक है, दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आपका ये मेघालय, और मेघालय पे यहां पर जो आएगा इसका नाम क्या है, नौकरेक, नौकरेक। क्लियर, नौकरेक के बाद आपका जो असम है, असम में यहां पर आपके आएगा दो है। ठीक है, असम में दो है, ये वाला जो है ये है मानस, और ये जो बीच में एक दिख रहा है इसको बोलते हैं दिब्रू सिकोवा। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो देखिए एक ही क्षेत्र, इतने से क्षेत्र में पांच पांच बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कितना ज़्यादा वहाँ का बायोडाइवर्सिटी रिच होगा। हम तो पूरे इस एरिया में एक है अचानक मार्ग, तो इतना बड़ा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, तो यहाँ देखो पांच पांच एक छोटे से इतने से क्षेत्र में, इसलिए उसको देखते हुए और इतनी सारी विविधता के कारण ये भी क्या है आपका, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन। देखिए जब आप उसको बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से लिख रहे हैं तो कुछ इस तरह से लिख कर आएंगे, और अगर आपको और स्पेस है 15 मार्क्स में पूछ लेता तब फिर आप उसकी ज्योग्राफी में थोड़ा सा बात करना, तब आप बोलना कि वो ब्रह्मपुत्रा रिवर्स और उसके साइड्स में है, कुछ माउंटेन्स के बारे में बताना, और ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास फिर जब जा सकते हैं कि वहाँ पर मजुली आइलैंड है एक इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रीजन के लिए। ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो ऐसे पक्षी हैं जो साल भर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं नागालैंड में, उसके कारण फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। ठीक है, अगर मेघालय के यहाँ पर रीजन देखेंगे तो ये पूरा का पूरा रीजन में क्या होते हैं, जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो फ्लेमिंगो हो, चाहे वो सारस हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा उसके बाद आप उसको डीप ले जा सकते हैं, बट उतना आपको क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसके कुछ रीजंस के बारे में आएगा। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपका ये क्या है, सेकंड आपका दो और बच जाता है जिसमें अब हम लोगों को आगे देखना है, वेस्टर्न घाट्स हो गया, आपका ईस्टर्न हिमालयस हो गया, तो आपका आप जो आपका इंडो बर्मा, और लास्ट में आपका जो सुंदरलैंड है, वो दो क्षेत्र और बच गए हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पर अभी के लेक्चर में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि व्हाट आर बायोडाइवर्सिटीज, ठीक है, सॉरी व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एक्सप्लेन एनी टू, ठीक है, एक्सप्लेन एनी टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं, भारत के किन्हीं दो जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में समझाइए।
ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में ही आप उसको लिख कर डाल सकते हैं, या तो टेलीग्राम ग्रुप्स है हमारा उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे, और पर्सनल जो मेरा उसमें कॉन्टेक्ट है उसमें आप मेरे को मैसेज भेज देंगे, मैं आपकी कॉपी चेक करके आपको बता दूंगा कि इसको और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता था। ठीक है, तो ये था आपका ईस्टर्न हिमालय। तो आपका जो दो क्षेत्र बचता है उसको हम लोग कल के आगे वाले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू ऑल।